प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का चौथा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4 हो रहा है। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग इसको समझने के लिए पहले तो इसका आंसर दे देते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा सत्य। ठीक है। अच्छा, अब ये सत्य क्यों है इसका कारण जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं एक से शुरू, एक, दो, तीन, चार और अनंत तक जाती हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं जो हैं ये शुरू होती हैं जीरो से, जीरो, एक, दो, तीन, डैश डैश डैश। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आंसर है हाँ होती है, क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्याओं में ही चले जाएं और यहाँ से यदि अंडरलाइन करें तो ये प्राकृतिक संख्याएं पूरी पूर्ण संख्याओं में ही तो शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या अवश्य ही होगी, क्योंकि हमने 5 अगर आपसे लिखा और आपसे पूछा कि ये 5 पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे ये पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्याओं में भी शामिल होती है, तो ये पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों ही है ये 5। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती है, प्रत्येक तो एक से शुरू होती है, तो एक तो उसमें शामिल है ही, बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, फिर एक से, जीरो, एक, दो, तीन, तो एक से जो प्राकृतिक संख्या होती है वो इसी में शामिल हो जाती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए। पूर्णांक कहलाता है, जैसे आपने यदि संख्या रेखा देखी हो, संख्या रेखा में बीच में होता है जीरो, यहां होता है एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, ऐसे चलते रहते हैं, और इस तरफ होता है -1, -2, -3, तो ये चलते हैं। तो ये संख्या रेखा में पूर्णांक क्या कहलाते हैं? पूर्णांक वो कहलाते हैं जो संख्या रेखा के दोनों तरफ होते हैं और उसमें जीरो भी शामिल है, ये कहलाते हैं पूर्णांक। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो आंसर है असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं हो पाते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऋण पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं हो पाते, जबकि जो जीरो है वो एक है ये तो पूर्ण संख्या में शामिल हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि पूर्ण संख्या इस तरफ माइनस में नहीं होती, पूर्ण संख्या हम लोग जीरो से मानते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, और जबकि पूर्णांक पूरा ऋण का भी होता है, तो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस के भी आ जाते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में तो धन के ही होंगे केवल, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या होने का तात्पर्य है जीरो से स्टार्ट होके एक, दो, तीन, ऐसे चलते जाना। तो तीन एक पूर्ण संख्या है और तीन एक परिमेय संख्या भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह कथन असत्य है। अब क्यों है मैं यही समझा रहा हूँ असत्य है, सबसे पहले तो क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको याद रखना है
कि जो ये पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब यदि 3 लिखा है तो क्या ये पूर्ण संख्या है? आंसर है हाँ। क्या ये परिमेय संख्या है? तो उसका उत्तर होगा हाँ, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। मैंने आपसे पूछा क्या शून्य एक पूर्ण संख्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? शून्य एक पूर्ण संख्या है। लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो भी आपका उत्तर क्या होगा? कि शून्य एक परिमेय संख्या भी है। तो शून्य पूर्ण संख्या होने के साथ साथ परिमेय संख्या भी है। लेकिन क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने लिखा 3/5, तो जब मैं इसका भाग दूंगा तो 3 यहाँ 5 तो 0.,  यहाँ 0 आ जाएगा, 5 × 30 हो जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या है 3/5, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये दशमलव में है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन हाँ, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है, यानी हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो दशमलव में भी आ सकती है। यदि मैंने आपसे लिखा कि ऋण 10/2, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? तो नहीं, क्योंकि 2 × 5 = 10, ये ऋण 5 आएगा, जो कि ऋण 5 तो ऋण पूर्ण अंक बन गया और ये पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में तो 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, परंतु हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये यहाँ प्रश्नावली समाप्त होती है, और इसके जो कारण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप कारण लिख भी सकते हैं, और कथन सत्य असत्य है वो तो मैंने लिखा ही है। इस तरीके से आप प्रश्नावली जो है उसको खत्म कर सकते हैं। अब अगली प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। 1.2। थैंक यू।